इस मॉड्यूल में हम फाइलम एकटा की एक और क्लास एक्नोइडिया के जनरल फीचर्स को डिस्क्राइब करेंगे सी अर्चन डॉलर्स हार्ट अर्चन्स दीज आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास एक्नोइडिया इज अ कम्बिनेशन ऑफ ग्रीक वर्ड एकिनोस स्पाइनी आर्डियाज मिस फार्मी ये जितने भी एनिमल्स हैं दे लुक लाइक आर स्पाइनी फॉर्म स्ट्रक्चर्स अब अप्रॉक्सीमेटली इस क्लास के अंदर थाउजेंड स्पीशीज जो हैं दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नियरली इन ऑल मेरीन एन्वायरमेंट सी अर्चन जो हैं यूजअली दे आर स्पेसलाइज इन देयर लिविंग पैटर्न एंड दे माइट भी लिविंग ऑन हार्ड सबस्टेट्स ऑफन वेजिंग देम सेल्व इन टू क्रीविज आर होल्स ऑफ दे रॉक्स एंड कोरल एज दे आर मेरीन एनिमल्स दे मस्ट बी मेरीन एनवायरमेंट को अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें हार्ड सरफेसिज भी मिलते हैं कोरल भी मिलते हैं वहाँ पे रॉक्स भी हैं तो ये रॉक्स और कोरल के अंदर जो उनके क्रीविसज हैं या होल्स हैं उसके अंदर सी अर्चन नॉर्मली इट मे बी प्लेस्ड फिर डॉलर्स या हार्ट अर्चन एनिमल्स हैं यूजली ये सैंड में या मड में रहेंगे एंड दे बरोम सेल्व जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर तो इसके एनिमल के इस क्लास के अंदर जितने भी एनिमल हैं इनका इवन दो दे आर आल मेरीन बट देयर मोड ऑफ़ लिविंग इज डिफरेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन इट्स मोरफॉलोज अब इनके अंदर भी बाकी काइनोडर्म्स की तरह ट्यूब फीट मौजूद हैं ट्यूब फीट जो है उनका क्या फंक्शन है ट्यूब फीट जो है ऑर्गेनिक वाटर के अंदर से ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको कैच करने में हेल्प करेंगे या उनको ये हेल्प बिकॉज ट्यूब फीड जो है इनकी टिप्स के ऊपर एडहेसिव डिस्क मौजूद हैं ये उनको हेल्प करेंगे किसी की सबस्टेटम के साथ अटैचमेंट में या इनको हेल्प करेंगे पासिंग ओवर दैम समाइम्स सैन डॉलर्स जो हैं दे आल्सो लिव ऑन द डेंस बेड्स विच यहाँ पर जो है एफिशेंट रिप्रोडक्शन होगी और फीडिंग these are some of the examples of class echinodia sea urchin sand dollars abdeke as the name indicates, they are usually having spiny appearance they are very animals beautiful they are having brilliant color here you can say they are dark green in color there this is having charisma color dark red color purple color green color so looking very beautiful and they पेंट अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ द मेरीन एन्वायरमेंट इन विच दे आर लिविंग हेयर यू कैन से देयर मोड ऑफ लिविंग दे आर ऑल्सो डिफरेंट इनके अंदर भी ट्यूब फिट है जैसे कि तमाम इकैनोडर्म्स का फीचर है ये उनको सबस्टेटम के साथ अटैचमेंट में हेल्प करेगा माउथ होगा इनके अंदर मेड्रेपोराइट होगा जहाँ से वाटर जो है वह एंटर होते रहेंगे एक सेंट्रल डिस्क मौजूद होगी जहाँ से आर्म्स जो हैं वो इसके Different structure they look like arm um, appearance. So Echinodermata, these are beautiful representatives. They may be attached to the coral. They may be living in crevices in rocks or they may be living underwater. So these are beautiful creatures of belonging to phylum Echinodermata.